ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। ये DPS स्कूल नोएडा सेक्टर 30 है, नोएडा सेक्टर 30 का DPS स्कूल है। यहाँ की प्रिंसिपल कितनी बड़ी गलती है कि 9 बजे इन्होंने एंट्री ओपन की UPTET एग्जाम के लिए और 9:30 बजे बंद कर दिया। हालांकि सारी एंट्री एक साथ हो सकती है, लेकिन कोविड की वजह से सारे बच्चे लाइन में थे और जो 9:30 के बाद जो लाइन के पीछे रहे सारे बाहर ही रह गए। प्रिंसिपल अगर 5-10 में सपोर्ट कर दी होती सारे बच्चे के अंदर एंट्री हो गई होती। कैंसिल कराओ। क्या नाम है आपका? उमा कंडपाल। ठीक है, कितने बजे आए आप? सर मैं यहाँ 3:30 पहले आ गई, फिर भी यहाँ पे लाइन में लगे हैं बच्चे। जो लाइन में लगे, आप खुद सोचिए, अगर सुबह से बच्चा लाइन में लगा तो पीछे वाले बच्चे को आने में टाइम तो लगेगा ना। अब जब वो आया है 9:30 बज गई है तो ये सारे बच्चों को अंदर कर लेते। गलती बच्चों की थोड़ी है कि वो शिष्टाचार से थे यहाँ पर। अगर वो धक्का करके चले जाते तो हमारी गलती होती। एक एक करके बच्चों को धीरे 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 चेकिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारी गलती है। 9:30 बजे गेट बंद कर दिया, बताइए आप लोग। 10 बजे का टाइम ऊपर से बाहर ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये कहते हैं पुलिस व्यवस्था है। ये किसके लिए है? किसके लिए है? हमारे लिए तो कुछ नहीं है। अंदर पुलिस वाले वो कह रहे हैं ताला लगा के अंदर बैठे, अंदर पार्टी चल रही है। जो यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का बंदा नहीं है स्कूल में, हम लोग पागल है। सुबह सुबह फ्री में टिकट क्या क्या फायदा है उस चीज का, बताइए आप लोग क्या फायदा। अगर आप ये पेपर मुझे लिख के दे या अपने कंपनी मुझे देने देंगे, सॉफ्ट कॉपी मेरे मोबाइल में है, हार्ड कॉपी में 2.5 घंटे के अंदर सेकंड जूनियर जो पेपर होता है मैं ला के दूंगा। आप लोग इतना पर, आप सिस्टम के हिस्सा है, आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक छोटी सी बात करिए, आप पेपर नहीं बच्चे को देने देंगे? वो एक दूसरा बच्चा था उसको भी पेपर नहीं देने थे। ये साल साल भर पढ़ाई की है, मुझसे भूल हो गए।